पान की बात हो तो पान एक प्रमुख भारतीय खाद्य पदार्थ है और इसे विभिन्न रूपों में तैयार किया जाता है, जैसे कि मीठा पान, सादा पान, तंबाकू वाला पान और तो और फायर पान। लेकिन आज हम ऐसे पान की बात कर रहे हैं जो पान अधिकतम हर कोई खाना पसंद करता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने विभिन्न खान पान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं यहाँ एक ऐसी दुकान है जो पेठा वाला पान बनाती है, जो मीठा खाने, पान खाने और ना खाने वालों को भी खूब पसंद आता है। नंदिनी आगरा पेठा के मालिक कृष्ण कुमार ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि उनकी दुकान 1957 से यहाँ स्थापित है और तब से पेठे का व्यापार कर रही है। उन्होंने बताया कि पेठे का व्यापार करने के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल उनके पिता एक बार घर छोड़कर चले गए थे और आगरा में पेठा कारोबारी के यहाँ नौकरी करने लगे थे। बाद में जब घर वालों को पता चला कि वो आगरा में किसी पेठे की दुकान पर नौकरी कर रहे हैं, तो घर वालों ने किसी तरह उनको वापस लखनऊ बुलाया और यहाँ पेठे का कारोबार शुरू करने को कहा। कृष्ण कुमार बताते हैं कि लखनऊ में पेठे की शुरुआत उनकी दुकान से 1957 में हुई, जब किसी को यहाँ पेठे के बारे में ज्ञान नहीं था। उन्होंने बताया कि शुरुआत बड़े पेठा बेचने से हुई, फिर धीरे धीरे कंचे पेठा बनाया गया, फिर फ्लेवर वाला पेठा बनाया गया और अब पान पेठा बनाया जा रहा है। पान पेठा बनाने में पेठा में पान का फ्लेवर डाला जाता है और इसमें गुलकंद की फीलिंग दी जाती है। उन्होंने बताया कि गुलकंद गुलाब से बनाया जाता है, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जो पहली बार खाता है उसे एक अनोखा स्वाद प्राप्त होता है। पान पेठे की कीमत 300 रुपए किलो है। आज तो साहब बहुत पुराना है, क्योंकि मेरे पिताजी बताते हैं कि मेरे पिताजी सर पे खूंचा रख करके और रेवड़ी बेचने और गजक बेचने के लिए जाया करते थे। वो तीन भाई थे और तीनों भाइयों को उनकी माताजी बना करके गजक और रेवड़ियाँ देती थी और वो फिर बना करके वो बाजार में बेचते थे सर पे खूंचा रख करके। ये किस्सा से कम बहुत पुराना अगर होगा तो 65-70 साल पुराना किस्सा होगा। उसके बाद भी परिस्थितियों बस हमारे पिताजी लखनऊ से चले गए थे, बाहर घर छोड़ के बाहर चले गए थे। कई शहरों में भटकने के बाद फिर आगरा में जाकर उनको जगह दुकानदार मिल गए, वहाँ पर उन्होंने पेठा बनाने की कारीगरी को सीखा, पेठा बनाना सीखा। फिर कुछ घर वालों को पता लगा कि वो आगरा में कहीं काम कर रहे हैं तो उनको आगरा लेने पहुँच गए। नहीं आना चाहते थे लेकिन वहाँ जो उनके मालिक थे बहुत सज्जन आदमी थे, उन्होंने कहा बेटा जाओ इनके साथ अपने घर में माता पिता के साथ जाओ, तुमने हुनर सीख ही लिया, जाओ वहाँ भी 4 पैसे क्यों मेहनत यहाँ कर रहे हो, यही मेहनत वहाँ करके 4 पैसे कमाओगे तो दाल रोटी चल जाएगी और कोई दिक्कत परेशानी आए तो हमको याद करना। उनका जीवन में बहुत सहयोग था, ठीक है। उनका नाम था रामचरण गुप्ता, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत नेक आदमी, बहुत मन के मजबूत आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत किसी ने उनकी तारीफ करें। तो वहाँ से हुनर सीख करके मेरे पिताजी लखनऊ आ गए। फिर वहाँ क्या यहाँ पर आगे, चूंकि पैसा पास में था नहीं, पूंजी के नाम पे खाली हाथ पैर और परिश्रम बस वही था उनके पास। उससे उन्होंने धीरे 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 व्यापार को शुरू किया और शुरुआत पेठे के व्यापार से की। रतन लखनऊ में कोई पेठा बनाता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि पेठा भी कोई चीज होती है, ठीक है साहब। और तब न कम्युनिकेशन, न लॉजिस्टिक, न यात्रा इतनी आसान होती थी कि आदमी यहाँ लखनऊ में सुबह बैठे और रात में आगरा पहुंच जाए या रात में बैठे सुबह आगरा पहुंच जाए, ये हो नहीं सकता था। कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, लॉजिस्टिक भी इतना स्ट्रांग नहीं था, तो यहाँ के लोगों की चीज नहीं होती हो गई। वो पेठे को उसको शेप दिया जाता है, शुरुआत पेठे के बड़े पेठे से होती है। अगर आप चाहें तो उसको दिखा दें, वो देखिए बड़ा पेठा वहाँ रखा हुआ है, वहाँ बड़े पेठे शुरुआत सबसे बेसिक वो है। उसके बाद फिर अंगूरी पेठा बना, फिर लोगों के दिमाग ने काम किया तो गोल गोल कंचे बनने लगे, कंचे के शेप में उसे रसभरी पेठा कहते हैं। फिर लोगों काम किया दिमाग तो उस रसभरी पेठे में फ्लेवर लगाया गया तो उससे फ्लेवर्ड पेठा बन गया। फिर लोगों का और दिमाग लगाया गया कि मलाई पान गर्मियों में खट्टे हो जाते हैं जल्दी, तो क्या किया जाए, तो पेठे की पत्ती पत्ती लेयर उतारी गई, ठीक है, उससे भी पेठे का पान बनाया गया। उसमें गुलकंद भरा गया, मेवा भरा गया, खोया भी भरा जा सकता है। लेकिन हम पेठे को बनाने में ना किसी खोए का इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी किस्म का चिकना इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी चिकनाई, चाहे वो देसी घी हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे दिल्ली का तेल हो, चाहे मूंग, कोई भी किसी किस्म का तेल पेठे के बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता।